दोस्तों आज के ये जो वीडियो है हमारे एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के मुताबिक हमने बनाया है, जो कि जिनका नाम है सौरभ पाठक जी, जो कि कुछ दिन पहले कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि KOB 100 के हर दरवाजे के नीचे जो लैंप होता है उसको ऑन करके दिखाइए। साथ ही साथ कमेंट करके उन्होंने ये भी पूछे थे कि KOB 100 के जो लोअर मॉडल यानी कि टॉप मॉडल से नीचे का मॉडल है उनमें ये जो लैंप है इसको एक्सेसरीज के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी बारे में आज इस वीडियो को हमने उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा KOB 100 के टॉप मॉडल में हर दरवाजे के नीचे जो लैंप होता है उसको कहा जाता है पाडेल लैंप। और इस लैंप का फंक्शन है जब आप रास्ते पे हाईवे पर हो या फिर लोकल रोड में हो या फिर कहीं पर हो, अंधेरे में गाड़ी को मतलब रोकने के बाद गाड़ी से उतरने वाले हैं तो जब आपने गाड़ी के दरवाजे को खोलेंगे तो दरवाजे के खोलने के बाद आपके पैर जब ज़मीन पर पड़ेगा तो नॉर्मल गाड़ी में जिनमें लाइट नहीं होता है वहाँ पर अंधेरा में ही पैर मतलब ज़मीन पर रखना पड़ता है आपको। तो वहाँ पर हो सकता है कोई सांप वगैरह हो या फिर और भी कोई कीड़े वगैरह हो आपके पैर में काट सकता है, तो या फिर कोई डट वगैरह हो रोड के ऊपर में जहाँ पर आप पैर रख रहे हो। तो इस लाइट का फंक्शन है जब आप दरवाजे को मतलब ऐसे खोलते हैं, खोलने के टाइम पे ऑटोमेटिकली ये जो मतलब दरवाजे के नीचे पाडेल लैंप होता है ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद रास्ते के ऊपर पड़ता है, मतलब जहाँ पर गाड़ी से उतरने के वक्त आप सबसे पहले आपके पैर जब ज़मीन पर डालेंगे तो वहाँ पर ये लाइट आपको दिखाएगा वहाँ पर साफ़ सुथरा है या नहीं। तो ये जो पाडेल लैंप होता है ये KOB 100 के टॉप मॉडल का हर दरवाजे के नीचे रहता है, जो कि दरवाजे खोलने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और दरवाजे बंद करने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दरवाजे को खोला, खोलने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये जो लैंप है ये ऑटोमेटिकली जल रहा है। देखिए तो ये जो लैंप है दोस्तों ये एक्चुअली में ये जो स्विच होता है यहाँ पर एक स्विच दिया रहता है, देखिए तो ये जो स्विच होता है ये मतलब जब दरवाजे बंद होता है ये प्रेस होता है, तो ये प्रेस होने के साथ साथ ही ये जो पाडेल लैंप होता है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसी सिस्टम में ये काम करता है। और यहाँ पर भी देखिए मतलब हर दरवाजे में सेम टू सेम यहाँ पर देखिए ये जो स्विच है, तो दरवाजे बंद करने के साथ साथ ये जो स्विच है ये ऑटोमेटिकली प्रेस होने पर ये जो पाडेल लैंप होता है ये ऑफ हो जाता है। तो इसी सिस्टम में ये काम करता है। अगर बात करें दोस्तों KOB 100 के जो लोअर मॉडल है वहाँ पर इस पाडेल लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं, तो कर तो सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा और आपके वहाँ पर वायरिंग सिस्टम का पूरा काम करवाना है आपके हर दरवाजे के अंदर, जो कि एक काफ़ी दिक्कत वाली बात है। मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर में नहीं होगा, आपको कार को शोरूम में इसके लिए 2-3 दिन तक रखना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से जिन कार में पाडेल लैंप नहीं है बेकार में पाडेल लैंप इंस्टॉल करने की कोशिश मत कीजिए। आपके इससे वायरिंग जो सिस्टम है आपकी कंपनी की तरफ से जो मैन्युफैक्चर किया गया जो वायरिंग है वहाँ पर कटिंग वगैरह हो सकता है इस मतलब लैंप जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से कंपनी के दिए हुए वायरिंग पर कोई मॉडिफिकेशन ना करे तो ही बेहतर है। तो अगर आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो इंस्टॉल ना करें आपके गाड़ी में अगर पाडेल लैंप नहीं है। यही थे सारे बात। तो सौरभ पाठक जी आपको रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे चैनल के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।